नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए शाम की ताजा और बड़ी खबरें जानते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार सुबह से चल रही मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह तक 2 जवानों की शहादत की खबर मिली थी। घायल हुए 3 और जवानों ने अपना दम तोड़ दिया है और इसी तरह ये आंकड़ा 5 हो गया है। एक अन्य जवान घायल है और एनकाउंटर करीब 9 घंटे से चल रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि वादा निभाने 10 मई को राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी दौरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। मोदी सबसे पहले नाथद्वारा में भगवान श्री नाथ जी के दर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5000 से अधिक सड़क विकास कार्यों के लिए 3525 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। चुनावी साल में प्रदेश की सड़कों को सुधारने के हिसाब से ये सबसे बड़ा फैसला है। इन कार्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में 10 परिवारों के 50 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, इसमें 1 साल की बच्ची भी शामिल है। इस मौके पर मजहबी मामलों के मंत्री मोहम्मद तला महमूद के बेटे मोहम्मद शेमरोज खान भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2023 में सबसे पहले 12वीं साइंस का रिजल्ट घोषित होगा। बोर्ड ये रिजल्ट 20 मई तक घोषित करने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 3 लाख स्टूडेंटों का इंतजार खत्म हो जाएगा और बोर्ड साइंस के साथ कॉमर्स का भी रिजल्ट जारी कर सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स और RCA ने टिकटों में किया घोटाला। जयपुर में आज IPL का तीसरा मुकाबला है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और RCA की ओर से टिकटों के घोटालों का मामला सामने आया है। RCA ने 22 करोड़ रुपए ही जमा कराए बल्कि 10 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 14 जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिम विक्षोभ के कारण राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में फिर से बारिश आंधी का दौर शुरू हो गया है। बीती रात गंगानगर बीकानेर एरिया में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इस सिस्टम का असर 6 मई तक राज्य में रहेगा। आंधी बारिश का दौर चलेगा। आज भी 14 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर और गंगानगर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस की घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर दावा बोल दिया। जबरन दफ्तर में घुसे और प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। कार्यालय के बाहर लगा कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी का पोस्टर भी फाड़ दिया। घटना के बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है कि जोशीमठ में हुए हादसे में बचे उदयपुर के 42 यात्री। चारधाम की यात्रा पर गए उदयपुर के 42 यात्रियों का एक दल उत्तराखंड के जोशीमठ में एक हादसे में बाल बाल बच गया। बद्रीनाथ रोड स्थित जोशीमठ के नीचे पहाड़ का बड़ा हिस्सा धमाके के साथ भरभराकर सड़क पर गिर गया। इस हादसे में वो बड़ी मुश्किल से बचे। दोस्तों, ये थी शाम की ताजा और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब।